नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे अपने परिवार समेत। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। काफी लोग बहुत बहुत परेशान हैं। अभी कुछ सब्सक्राइबर्स तो ये लिख रहे थे कि आप हमें ऐसा उपाय बता दें कि हमारा शत्रु सीधे यमलोक पहुंच जाए। बहुत बहुत परेशान हैं हम हमारे शत्रु से, है ना। शत्रु होते ही परेशान करने के लिए, दुख देने के लिए, अत्याचार करने वाले लोग ही किसी न किसी के शत्रु बन करके बैठ जाते हैं। आज आपको एक ऐसा ही उपाय बता रही हूं जिससे शत्रु आपका भागा भागा फिरेगा, शत्रु की शक्ति नहीवत हो जाएगी और आप खुश हो जाएंगे। लेकिन लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, कभी भी आप किसी के भी खिलाफ कोई भी प्रयत्न करते हैं तो पहले सोच लें कि कहीं आपका कोई छोटा मोटा सिर्फ अहम ईर्ष्या भाव, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप कभी भी किसी के लिए ऐसे प्रयत्न ना करें। जब भी आप किसी का भी अहित करने का सोचते हैं, पहले सोचें, बहुत सोचें, उसके बाद ही इन क्रियाओं को करें, ठीक है दोस्तों। सोमवार के दिन दूध, कच्चे दूध से ज्यादा क्रियाएं सिद्ध होती हैं। उबले दूध का उतना इफेक्ट नहीं रह जाता है, लेकिन कच्चे दूध से आप जो भी क्रियाएं करते हैं उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त देखने के लिए मिलता है। काफी मैंने उपाय बताए हैं सोमवार के दिन कच्चे दूध से करने के लिए, जरूरत लगे तो आप अवश्य ही देखें। आज जो उपाय बता रही हूं दोस्तों, इस उपाय को भी आप करके देखें। दूध, मैं फिर से बता दूं, आपके मन से जुड़ा हुआ है, चंद्र से जुड़ा हुआ है दूध। आप इस दिन जहां पर भी जिस इरादे से अर्पित करेंगे, इसमें उस चीज में आपको बरकत देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यदि आप उस दूध को काला कर देते हैं तो समझिए आप प्रकृति को एक चैलेंज दे देते हैं। ये क्रिया आपको ऐसे ही करनी है कि मैं दुखी हूं और मुझे आप इस चीज से निजात दिलाएं। जो भी आपका शत्रु है, आपको उसके बारे में चिंतन करना है और आपको अपने घर की सुई से लोहे का एक कोयला लेना है। कोयले के ऊपर आपको सुई से उस शत्रु का नाम लिखना है, बराबर। और दोस्तों, आपको उस कोयले को अपने चूल्हे पर या गैस के ऊपर रख करके जलाना है। जब वो जल करके लाल दिखने लग जाए तो उसे आपको उठाना है, उठा करके कच्चे दूध के अंदर डाल देना है कि दूध के अंदर गिरे और उसकी आवाज आनी चाहिए, छन्न से जो आवाज आती है। बहुत जबरदस्त क्रिया है दोस्तों ये। कोयले के ऊपर भी ढेरों ढेरों उपाय होते हैं, खैर आज मैं आपको इस शत्रु का एक उपाय बता रही हूं। कोयले के ऊपर दोस्तों ऐसे भी काफी ऐसे उपाय होते हैं जिससे आप अपनी काफी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। तो आपको उस कोयले को, कोयले पर नाम लिख करके शत्रु का, और आपको दूध में डाल देना है और उस दूध को आपको ले जाकर के नीम के पेड़ पर चढ़ा देना है। कोयले के साथ कोयला और दूध दोनों आप नीम के पेड़ पर चढ़ा दें और वहां आप महाकाली मां जगदम्बा का ऐसा रुद्र स्वरूप है जो कोई भी जिंद भूत पिशाच हर चीज को ये शक्ति खत्म कर सकती है। शत्रुओं के जो अत्याचार है, ये शक्ति दोस्तों उसको जड़ से खत्म कर देती है। लेकिन उपयोग आपको बहुत सोच समझ करके ही करना है, ठीक है। दूध और कोयला आप नीम पर चढ़ा दें और वहीं पर थोड़ा सा गड्ढा कर दें और फिर उस कोयले को उठाएं और उस गड्ढे के अंदर दबा दें। मतलब करना नीम के नीचे ही है, दूध चढ़ा रहने दें, बहुत छोटी सी क्रिया है। और उसके बाद आप वहीं पर खड़े होकर के प्रार्थना करें महाकाली से कि माता रानी, आप मुझे इसके अत्याचार से छुटकारा दिलाएं, नीम के पेड़ छुए और अपने घर में लौट आए। माता रानी चाहेंगी दोस्तों बहुत जल्दी आपको अपने दुश्मन से निजात मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, जिंदगी में
ये कभी ना सोचे कि जिंदगी कभी प्लेन जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, जो लोग भी बहुत परेशान हैं, मैं आपको बहुत बहुत अच्छे से इस चीज को समझा देना चाहती हूँ कि कभी भी ये ना सोचे कि जिंदगी में हमेशा ऐसा समय आएगा जब खुशियां ही खुशियां हों। ऐसा समय कभी किसी की भी जिंदगी में नहीं आता। कभी दुश्मनों का अत्याचार होता है, कभी समय आपके साथ कोई खेल खेल रहा होता है, कभी कुछ होता है, कभी घर की परेशानी होती है, कभी बाहर की परेशानी होती है। लाखों गम जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, जो अपने आप में पॉजिटिव होते हैं वो इनको हरा देते हैं। कितनी भी तकलीफों खुश रहते हैं और तकलीफें उनसे जलती हैं और दूर भागती हैं। जो लोग इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिंदगी में एक जगह दे देते हैं, वहां ये घर करके बैठ जाती है, आती सबकी जिंदगी में। तो कभी डरे नहीं, घबराए नहीं, आगे बढ़े, लड़ते रहे। संघर्ष है तो जीवन है, जीवन है तो संघर्ष है ही है। शत्रुओं से इतने ना घबराएं, उसे यमलोक ना भेजें, उसे अपनी नजर के सामने भागता हुआ देखें, देखें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।